दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में स्थित सीसीआरटी हेड ऑफिस प्रांगण में सीसीआरटी ने स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर आज़ादी के अमृत काल की शुभ बेला कलाकारों व शिल्पकारों के 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया, जहां दूर दूर से शिल्पकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने दिल्ली के सीसीआरटी पहुंचे, जहां हाथ से बने सामानों की प्रदर्शनी देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में कठपुतली का नाच भी देखने को मिला। आइए देखते हैं सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है, सबसे पहले तो आप बताएं। मेरा नाम सुभाषी शोभोशाची है। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो बैम्बू का ऊपर बैम्बू मेनिया, एक्चुअली मैं म्यूजिशियन हूँ तो मेनिया ही समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग में ऐसे चिंता ना आया जो बैम्बू लेके कुछ करे। एक बार बताओ, पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में क्यों गए? बहुत सारी चीज़ें जॉब वगैरह का या किस तरीके से लोग इधर उधर अपनी उसको करते हैं, तो ये आपने क्यों हाथ की कलाकारी को क्यों चुना? सर एक्चुअली देखिए, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो उनका जो चिंतन है, जो हमारा जो स्वनिर्भर उसको हम कुछ भी चीज़ करें जो हमारा देश में ही उसका प्राथमिकता दे, ताकि बाहर से हम हर साल बिलियन टॉयज मंगाते हैं प्लास्टिक का, चाइना, ताइवान, सिंगापुर एट्सेट्रा। तो मुझे दिमाग में आया जो इंस्ट्रूमेंट तो बनाया है, इसके बाद उसका छोटा छोटा फॉर्म में टॉय भी बना लूँ, ताकि बच्चा जब खेलेंगे तो ये इको फ्रेंडली टॉय होगा, तो बस बच्चा का शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं होगा और हमारा देश में भी अवेलेबल है बैम्बू हर जगह में, तो बैम्बू से हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट बना के अगर बच्चा खेले तो इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, एक खिलौना। मैम, सबसे पहले तो आप अपना